का मतलब यह है कि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, किसी वर्ल्ड के स्तर के सिस्टम पे आप खड़े उतरते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, और यह जिससे कि आपके साथ हम लोग भी अनुभव करते हैं कि आपके कारखाने में अच्छे ढंग से कार्य होता है और आप सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। देखिए, थोड़ा शब्दों का और समय का अभाव है, क्योंकि हम बहुत बातें जो है लंबी करने की कोशिश थोड़ा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपका समय अमूल्यवान है। समय जो निकलता जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, क्योंकि हर समय के पहलू को ही समझना है। और आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ करके यहाँ पे आए हुए हैं, और आपस में जो है प्रेम भाव रखने के लिए, आपस में सहयोग रखने के लिए, आपस में जानकारी एक दूसरे से जो है साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए साथियों, आज यह समय है कि सबसे पहले हम अपने जीवन को समझें, क्योंकि जीवन अनमोल है, जीवन का कोई मोल नहीं है। सब कुछ दुनिया में जो है दोबारा आ सकता है, लेकिन आज जो है दुनिया में एक ही चीज़ की कमी है जो कोई नहीं पूरा कर सकता है, वो है जीवन, जिसकी प्राथमिक दायित्व आप लोगों के खुद पर रहती है, सबके अपने ऊपर होती है कि इसकी जानकारी हमें स्वयं रखनी चाहिए। जो नियम और कानून आपके पास बनाए गए हैं, यह नियम या कानून दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, यह नियम कानून अपने लिए हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है और हमें खुद ही ध्यान देना है। आप लोगों को अगर हेलमेट दिया जाता है तो इसको आप रेगुलर में जो है पहने, ऐसा नहीं कि हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि कोई आ रहा है, सेफ्टी वाला आ रहा है, या कोई ऑडिट हो रही है उसको दिखाने के लिए पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हेलमेट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सर पे जब चोट लगती है तो उस पे आपको गंभीर जो है कोई समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए हेलमेट का प्रयोग करें। आप जूते का प्रयोग करें जहाँ पे जरूरत है, क्योंकि खतरनाक जगह पे जा रहे हैं तो, क्योंकि आप आगे देख रहे हैं लेकिन पैर में कभी कुछ चीज़ें लग सकती हैं, तो आप जूते का प्रयोग जो है अवश्य करें। चप्पल में या अन्य जो है नंगे पैर आने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर चोट लगेगी तो दर्द किसे होगा? दर्द आपको होगा। बेशक इलाज तो मिलेगा, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है शरीर है और आपका जीवन है। बाकी आपको मास्क दिया जाता है, अगर धूल हो रहा है, कहीं पे गैस निकल रही है, तो आप मास्क का भी प्रयोग करें। आंखों में चश्मे का भी प्रयोग करें अगर कहीं पे इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो आंखों को नुकसान कर सकती हैं। कानों में जो है प्लग का प्रयोग करें, क्योंकि कान जब आप सुनेंगे तभी आपका जो है चीज़ें आप एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने सुरक्षा संबंधी उपकरण हैं जिसे आप PPEs के नाम से जानते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग जो है करें। इसलिए करें क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका ही जीवन है जो आपके हाथ में है, उसकी जो है जिम्मेदारी खुद पे रहती है, दूसरे पे निर्भर नहीं रहती है। क्योंकि कहावत भी है, हिम्मत मर्दे दे खुदा, ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो है स्वयं अपना साथ देता है। अगर हम यह सोचें कि गलती मैं करूंगा और मेरा पड़ोसी या मेरा साथी मेरा कोई जो है रोकथाम करेगा या मुझे किसी भी तरह की सहायता करेगा, सहायता तभी करेगा जब आप स्वयं उस लायक होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर शरीर में किसी भी तरह का जो है सेकंड हैंड हो जाता है, जैसे होता है आदमी का नाम ही जो है सेकंड हैंड खराब होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पैर ठीक है, जो ओरिजिनल जो है ऊपर वाले ने दिया हुआ है, तो उसका एक आनंद अलग ही होता है। अगर टूट गया, उसमें जो है अंदर रॉड लग गए, डॉक्टर ने रॉड लगा दिया, तो आपका चल तो लेंगे लेकिन उसे सेकंड हैंड बोला जाएगा। सेकंड हैंड का मतलब वो पैर आपका नहीं है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। क्यों? क्योंकि उससे आप जो गति आप पहले आप इस्तेमाल करते थे, जिस तरह से चलते थे, जो छलांगे आप पहले लगाते थे, वो आप नहीं लगा पाएंगे। आप दूसरों की निगाहों में ये लगेगा कि आप एक बीमार व्यक्ति हैं या आपके अंदर जो है कोई तकलीफ है, तो आपका एक दूसरे के प्रति जो विचार होंगे, जो आपका महसूस किया जाएगा, वो एक नजरिया जो है बदल जाएगा। आप अपने जीवन के बारे में पहले आपको ध्यान रखना है, सुरक्षा के बारे में ध्यान रखना है, अपने जो कार्य हैं उसके बारे में पूरा ध्यान रखना है। जानकारी हो तभी काम करें, जैसा आप लोगों ने अभी
इस कार्यक्रम के दौरान जो है व्यक्त किया हुआ है। और अगर जीवन सुरक्षित है तो सारी चीज काम करेंगे। आगे हम बात करेंगे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि पर्यावरण दूसरा एक प्राथमिक पहलू है जो जीवन को सुरक्षित रखता है, क्योंकि पर्यावरण वो चीज है जिसमें प्रदूषण, जिसको पॉल्यूशन बोलते हैं, उसकी रोकथाम कम करना है। कहीं पे धूल निकल रहा है, कोशिश करें कि धूल जो है कम निकले। सड़क पे कीचड़ अगर आ रहा है तो कोशिश करें वहाँ पे कीचड़ का जो है जमाव ना हो, नालियाँ जो है साफ हो, और ऑफिस में या कार्यस्थल पे जितने भी कूड़े या कचड़े निकलते हैं उसको उचित जगह पे ले जा करके रखें, और आपस में मिलावट इस तरह से ना करें कि क्योंकि उसका अगर डिस्पोजल या निस्तारण करना है तो उसको करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो आप अपने स्थान को पूरा साफ सुथरा रखेंगे, किसी तरह से हवा में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, जल में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, जमीन में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों चीजों में प्रदूषण की रोकथाम जितनी करेंगे आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, आपको स्वच्छ हवा मिलेगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, और आपको स्वच्छ जमीन से जो अनाज पैदा होगा, खाने की चीजें पैदा होंगी वो आपको मिलेंगे। कहने का मतलब यह नहीं कि अगर आपके पास एरिया में कचरा है तो कचरा अपने एरिया को साफ किया और पड़ोसी के एरिया में जो है फेंक दिया। यह वातावरण है, वातावरण में जो है नहीं फेंकना है। चाहे आप अपने घर को साफ करके बगल वाले के यहाँ भी नहीं फेंकना है, उसको उचित जगह पर ही फेंकना है। तो ये वातावरण को भी साफ रखेंगे तो जीवन आपका सुरक्षित रहेगा और उसी से आपका जो है दिनचर्या मेंटेन रहेगी। जो ऊपर वाले ने दीर्घ आयु बोला हुआ है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल तौर पे कि ऊपर वाला हमें 100 वर्ष की आयु देता है, कहते हैं 100 वर्ष की आयु तो देता है लेकिन 100 वर्ष की आयु कुछ ही लोग जी पाते हैं। जीने के लिए क्या है कि ये सारे ऐसे साधन हैं, अगर हम सही ढंग से उपयोग करें तो वो हमारे हाथ में है, और हर आदमी 100 वर्ष की आयु तो जरूर जिएगा। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो 100 वर्ष से भी ज्यादा जो है जीने की तमन्ना रखते हैं और सही ढंग से जीते हैं। जीना वो नहीं है कि बैसाखी पे चले, जीना वो नहीं है दूसरे के सहारे जिए, जीना वो है जो खुद पे जिए और खुद दम पे जिए, और किसी तरह की सपोर्ट, वेंटिलेटर या किसी स्ट्रेचर या व्हील चेयर की जरूरत ना पड़े, वो आपके हाथ में है। और अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सम्मान करेगा, आपके जो रिश्तेदार हैं वो सम्मान करेंगे, सारे साथीगण आपका सम्मान करेंगे। तो आपको और मैं यही आपको निवेदन करूंगा और आपसे ये अपने बातों का जो साझा करने की कोशिश करूंगा कि आप खुद समझदार बने और कोई गलती कर रहा है उसे भी जो है बताएं, क्योंकि ये कारखाना है, कारखाना जिसे बोलते हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। हम यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो चीज दे सकता है, ये भगवान का दूसरा रूप है, ये ईश्वर का दूसरा रूप है, गॉड का दूसरा रूप है, जिस बारे में आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ही देता है कहते हैं, बात तो सही है लेकिन यहाँ साक्षात मिलता है। अगर दिन भर हम काम करते हैं तो हमें दिन भर की जो है रोजी रोटी जो है जरूर मिलती है, और इसी से हमारा जो है भरण पोषण होता है, और आप लोगों का भी होता है और आपके सगे संबंधियों का भी होता है। तो ये जो सिस्टम है जो बनाया जाता है कि आपको अपना काम सही ढंग से करना है, आपको पूरा काम समय पे करना है, जल्दी नहीं करना है, जल्दी शुरू नहीं करना है लेकिन जल्दी समाप्त करना है। समाप्त करने का मतलब यह नहीं कि जल्दी शुरू करने के चक्कर में आपने नियम कानून को ताक पे रख दिया। आप अपने जो है अधिकारियों से, अपने जो है किसी जो है शुभचिंतकों से आप लेने की कोशिश करें, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये कारखाना भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, देश भी आगे बढ़ेगा, और हम लोग इस तरह से आपके यहाँ आते रहेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे। और इसलिए क्योंकि आपके साथ हम भी आपके चाय पानी और जो है आपके साथ जो है लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि आप आगे बढ़ेंगे, हम लोगों की भी रोजी रोटी आप लोगों से भी चलती है, इस कारखाने से चलती है, सबका भला होता है, देश का भला होता है, समाज का भला होता है। ये कारखाना ऐसा है, किसी मालिक का नहीं होता है, किसी जो है चेयरमैन का नहीं होता है, किसी जो है डायरेक्टर का नहीं होता है, ये कारखाना जो है अपना है। क्यों? क्योंकि इस कारखाने की एक एक बूंद, इस कारखाने का एक एक कण अपना है, उसी से हमें जो है तनख्वाह मिलती है, उसी से हमें जो है पैसा मिलता है, इसमें हमारा भी शेयर होता है, सबका शेयर होता है। जिस कारखाने को आगे बढ़ाने में सहयोग रखें, कारखाने की आगे ले जाने के लिए जो है आप कामना रखें और इसमें पूरा सहयोग दिल से आप रखें।
जिससे कि ये कारखाना आगे बढ़ता रहे और ऐसा नाम हो कि ये कारखाना जो है नेपाल में नहीं ये विश्व स्तर में जाना जाए, क्योंकि आपका जो नजरिया है, जो ये प्रमाण है, जो आपका जो है ऑडिट है, ये विश्व स्तर पे होता है। आप ये कभी जो है हम नहीं सोचेंगे कि हमारा कारखाना अभी हम छोटे स्तर पे हैं, अब हम जो है विश्व स्तर के मानक पे काम कर रहे हैं, जिस काम के आधार पे जो है हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं और आने के लिए अपने समाज में ये कह सकते हैं कि जिस कारखाने में काम करते हैं वहाँ काम करने में अपने आप को गर्व, अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को एक ऐसा सुखद महसूस होता है जिसकी जो है तमन्ना आप दिल में रखते हैं वो पूरी हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि बातें तो बहुत लंबी हैं, जितनी भी कही जाए उतने कम है, क्योंकि समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, क्योंकि समझदार आदमी के सामने अगर एक टोकरी रख दिया जाए तो वो क्या करता है कि वो अच्छी चीज उठा करके जो है रखता है, ना कि जो है उसमें जो है कचरा ले आ करके डाल देता है। इसलिए आप लोग समझदार हैं, क्योंकि इंसान जो है समझदार होता है, इंसानों से बढ़ करके धरती पे या इस ब्रह्मांड में या इस मंडल में कोई नहीं समझदार होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन संज्ञा हम किससे देते हैं, हम संज्ञा देते हैं इंसानों को भी जो है स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है। स्टैंडर्ड किसको माना जाता है, जो जीव जंतु होते हैं, जो पक्षियां होती हैं, जो जानवर होते हैं। कैसे कहते हैं कि इसकी आवाज कोयल जैसी है, क्या इंसान जो है बेकार है, कहते हैं ये स्वामी भक्त है। कैसे कहते हैं डॉगी की जैसा है, कहते हैं ये काम परिश्रम कैसे करता है, कहते हैं ये बैल जैसा काम करता है। तो हर चीज में संज्ञा हम किसी और से करते हैं तो संज्ञा उनसे करते हैं, क्यों, क्योंकि वो ऐसे सिस्टम से फॉलो करते हैं, वो अपने आप को विचलित नहीं करते। तो हम तो इंसान हैं, दिमाग हमारे पास ज़्यादा है, तो हम ऐसा आइडियल, ऐसा आदर्श जो है महसूस करें कि आपको ये कहा जाए कि मेरा साथी कितना जो है बेहतरीन काम करता है और उसी के जो है प्रेरणा से और साथी भी काम करेंगे, बाकी लोग भी काम करेंगे। नमूना आपको रखना है, खुद को जो है बढ़िया काम करना है। ये बातें जो है हम लोग आपसे जो है शेयर इसीलिए करते हैं कि आप आगे बढ़ें और कार्यक्रम इस तरह से जारी रखा करें, और समय का थोड़ा सा अभाव है क्योंकि सबको को पूर्ण विराम देने की जरूरत है, और इसी तथ्य पे हम आपसे जो है निवेदन करते हैं और धन्यवाद। और फिर जो है हम लोग जो है इस तरह से बातें करने का